Hello Chong, let's see this question. The question says that the probability that a man will hit a target in shooting practice is 0.3. If he shoots 10 times, the probability that he hits the target is okay. So let me discuss the key concept here. देखिए अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ठीक है हैपनिंग अगर होने की प्रोबेबिलिटी है पी तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी ओके तो अगर उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होती है हमारी नॉन हैपनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास आएगा 1 माइनस पी ओके तो अगर मैं पूछूं कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा वो क्या होता है 1 होता है आई मीन कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है आपको पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है होती है ओके वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है अगर प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से ज्यादा आ गई मींस आपने वो प्रॉब्लम गलत तरीके से सॉल्व किया है तो ये आप रिमेंबर करें अब देखिए मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देखिएगा ये इन्होंने कहा कि मैन जो है वो शूट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या इन्होंने दे रखी है अगर मैन जो है शूट करेगा अपने टारगेट को तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.3 तो अगर नहीं शूट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.7 ठीक है तो शूट करने की 0.3 नॉट शूट करने की 0.7 अब देखिए इन्होंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट 10 टाइम्स ठीक है तो वो टारगेट को 10 बार हिट कर रहा है इसका क्या मतलब है कि अगर वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट 10 अटेम्प्ट ओके अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग टारगेट 10 टाइम्स ओके तो क्या आएगा ये आएगा 0.7 पावर 10 कैसे देखिए मान लीजिए ये उसका टारगेट है ठीक है उसने इसको हीट किया वो नहीं हिट कर पाया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई एक बार हिट किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 0.7 फिर दोबारा हिट किया नहीं हिट कर पाया फिर 0.7 अप टू 10 टाइम्स तो ये 0.7 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया 10 टाइम्स तो उसको मैंने लिया 0.7 पावर 10 ठीक है ये ऐसे आ गया अब हमसे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया प्रॉब्लम में कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट 10 टाइम्स तो ये क्या होगा टोटल में से दैट इज टोटल क्या हो जाएगा 1 उनमें से ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया अब चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं तो 1 माइनस 0.7 पावर 10 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन बी में ओके सो बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक